अरे थर्ड कॉलम बचा के रखो। हाँ आदमी का बलात्कार नहीं है, नौकरानी का, बस पैर आने वाला है और पैर लग दो आ गया। जी वो मुझे पीएन साहब ने भेजा है यहाँ पे। तुम को क्या पता बलात्कार के बिल के बारे में कुछ नहीं जानता। जी सॉरी सर, बैठ गया। सर देखिए जो भी मतलब आपके साथ हुआ है वो मतलब हम सबको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कोई क्या कर सकता है इसके लिए। यह सो तो ठीक है, लेकिन अभी उम्र ही क्या थी उनकी। तो उम्र से शुरू करते हैं ना। जी क्या उम्र थी उनकी? यही 70 साल। 70 साल या 17 साल? जी नहीं 70 साल। 70 साल, कमाल है यार। आजकल के रेपिस्ट भी 70 साल की बुढ़िया तक नहीं छोड़ते। जी मुझे कुछ नहीं छोड़ो। कब हुआ भाई साहब ये? ये कल चौथा है उनका। कल चौथा उनका? पर हमें तो बताया गया कि कल ही। हमें तो ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात हो। प्लीज प्लीज देखिए रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। कहाँ हुआ ये? घर पे? जी हाँ, बाथरूम में नहाते हुए। नहाते वक्त एक्सपोज कर दिया होगा आंटी ने ज्यादा। जी नहीं जी, नहीं जी नहीं जी। कितने लोग थे? जी कहाँ पे मतलब उठा के ले जाने वाले कितने लोग थे? 4 लोग उठा के ले गए थे के, और कोई 100 के करीब लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। हेलो मासी रोपे भाई, इतना बड़ा गैंग रेप तो कुछ सुना नहीं। आपने रोकने का प्रयास किया? अब भाई साहब मेरे रोकने से क्या होता है, मतलब कुछ कोशिश की होगी। कोशिश तो खैर कई दिनों से चल रही थी। कई दिनों से मतलब आपको पता था ये होने वाला है? जी हाँ, हम लोगों को अंदाजा तो हो गया था। तो आपने पुलिस को क्यों नहीं खबर की? पुलिस को? हाँ मतलब जब आपको पता था कि लोग उठा ले जाने वाले हैं तो पुलिस को खबर करनी चाहिए ना। मगर उठाने वाले घर के ही लोग थे ना, रिश्तेदार वगैरह, और हम लोग ले लौटता मतलब घर ही के लोग, रिश्तेदारी मिलके ये सब कुछ। ये सब कुछ मतलब? मतलब कि आप जिम्मेदार हैं मतलब जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मैं जिम्मेदार हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप प्लीज उनका फोटो छाप दीजिए बस। फोटो लाए आप? जी लाए। ये अच्छा किया आपने, दिखाइए लीजिए। मतलब ये है इनका रेप हुआ है? जी हाँ इनका रेप। दिमाग खराब हो गया आपका? इनका रेप नहीं हुआ, मेरे पिताजी हैं, इनका देहांत हुआ, इनका फोटो छपवाना। तो फिर बलात्कार किसका हुआ आपके घर में? मेरे घर में मेरे घर में किसी का बलात्कार नहीं हुआ है। तो इंटरव्यू क्यों दिए जा रहे हैं आप? कहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं? अरे यार आपको पहले बताना चाहिए, खा मखा 70 का 77। अरे क्या आदमी है आपने मौका कहाँ दिया मुझे बताने का? भाई साहब वो क्या आपके पिताजी मर गए? नहीं वो बलात्कार। उनका बलात्कार हुआ? नहीं नौकरानी का हुआ था। आई लव यू। कहाँ गए आप? भाई साहब प्लीज आप उठिए चलिए। मेरे पिताजी का फोटो अभी उधर। चलिए उनका बलात्कार नहीं हुआ ना? आई आई बलात्कार केस ज्यादा जरूरी। सर जी आप बैठिए। कहाँ थे? ठंडा उठना पीएंगे? कब कैसे क्यों मुझे बताइए सब कुछ डिटेल। उषा जी उनका फोटो छापना? नहीं मेरा नहीं, मेरे पिताजी का। हाँ वही। सासू माँ प्लीज बता दो नाम का अचार कैसे बनाते हैं, मुझे आता तो मैं आपको क्यों पूछती। बताइए ना प्लीज। हाँ इसी हफ्ते के कॉलम में आ रहा है, यही तो नीचे नाम तो मेरा ही आएगा। अच्छा बाबा आपका दे दूंगी, लेकिन बताइए तो सही। हाँ मैं लिख रही हूँ, बताइए। हाँ आपका क्या है? जी मुझे एक फोटो छपवाना है। हाँ फोटो तो छप जाएगी, कोई मैसेज भी है? जी मैसेज भी है। क्या? मैं मुसद्दी लाल ग्रोवर। पहले 1 किलो कच्चे आम लाए। मैं 1 किलो कच्चे आम क्यों लेके आऊं? नहीं तुम नहीं, तुम मैसेज बोलो। जी मैं मुसद्दी लाल ग्रोवर। अपने पिताजी मुसद्दी लाल ग्रोवर सीनियर के छोटे छोटे टुकड़े कर ले। जी तुम्हें नहीं बाबा, तुम मैसेज बोलो, बोला ना। जी उनके देहांत के बाद उन्हें धूप में सूखने डाल दे। अब चुप क्यों हो गए, बोलो ना। उनके देहांत के बाद उनके चौथे पे उनमें मसाला भरे। चाहता हूँ कि आप सब लोग आए, आशीर्वाद दें और मेरे पिताजी को मजे लेकर खाए। ये सब है क्या? आम का अचार। क्या? यही तो। फोटो लाए हो? जी फोटो तो मैं लाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपने जो लिखा मैं जरा पढ़ लूँ। पढ़िए पढ़िए। मैं मुसद्दी लाल ग्रोवर अपने पिता श्री मुसद्दी लाल ग्रोवर सीनियर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उनके देहांत के बाद उन्हें धूप में सूखने डाल दें, उनके चौथे पर उसमें मसाला भरें और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि आप आएं और मेरे पिताजी को मजे लेकर खाएं। ये सब है क्या? है क्या ये सब? आप क्या समझती हैं? मैं अपने पिताजी को काटूंगा, उसके बाद उनको धूप में सुखाऊंगा, उसके बाद उन्हें मसाला भरूंगा और फिर चौथे पे जो लोग आ रहे हैं उन सबको मैं अपने पिताजी को खिला दूंगा। आप समझती हैं आप यहाँ काम करने के लिए बैठी हैं? मेरे पिताजी हैं क्या? आम है क्या वो? नहीं, आम का अचार नॉनवेज का होता है। क्या? मतलब पिताजी मेरे आम का अचार है? नहीं नहीं मतलब ये तो वेज हो जाएगा ना। गुड बॉब। क्या हो रहा है उषा जी, नॉनवेज अचार की रेसिपी लिखी जा रही है? किस चीज का अचार बन रहा है? मेरे पिताजी का, खाएंगे? शर्म नहीं आती आपको?
अपने पिताजी का अचार बनाएंगे आप? इसी दिन के लिए उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया था? बोलिए, जवाब दीजिए। चुप, चुप, मैं चुप? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? अच्छा तो आप मुझे चोर कह रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप को कोतवाल कह रहा हूँ। अच्छा तो आप कोतवाल हैं? जी नहीं, मैं इस बम बम अखबार का चीफ एडिटर यहाँ का मालिक हूँ। मतलब इस सब बवाल की वजह है दरअसल आप है। जी मतलब यहाँ पे लोग आपके काम करते हैं या करते क्या है? वो एक आदमी आपका पटेल, वो मुझसे कहते हैं आपके पिताजी लापता हो गए, और एक आदमी है ये शुक्ला, ये कहता मेरे पिताजी का बलात्कार हुआ, और एक ये है उषा जी, ये कहती हैं कि मेरे पिताजी का आम का अचार बना के डालेगी और जो लोग उनके चौथे पे आएंगे उनको एक खिलाएंगे। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कि एक्चुअली आपके पिताजी क्या है? वो लापता है, वो बलात्कार का शिकार है, या वो आम का अचार है? अरे आप तो अपने पिताजी का नाम लेके ऐसे रोने लग गए जैसे उनका देहांत हो गया हो। जी उनका देहांत हो गया। ओ I'm sorry. अब कहीं आप उनकी 13वीं पे फोटो छपवाने तो नहीं आए? 13वीं पे नहीं, उनके 14वें पे उनकी फोटो छपवाने के लिए आया हूं। ओके, कोई बात नहीं। उषा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा कि पहले एड वालों को एंटरटेन किया करो। ये सॉरी सर। अब ठीक है, आइए आप मेरे साथ आइए। चलिए। पांडे नहीं, पांडे जी। आप पुलिस में तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पांडे जी नहीं लगाएंगे। यहाँ बड़े बड़े मंत्री लोग भी पांडे जी कह के बात करते हैं, तब जाके उनकी इमेज सुधरती अखबार में। ठीक है पांडे जी, सॉरी गलती हो गई। अगर हमसे गलती हो गई ना तो दुनिया मोस्ट वांटेड में इस चोर चमन चरकट की जगह आपका फोटो छप जाएगा। वो अलग बात है कि अगले दिन हम माफीनामा छाप देंगे। ठीक है, जाइए, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलता हूँ। हाँ जी, आप पांडे हैं? आपको चोर की जगह अपनी फोटो छपवानी है क्या? जी नहीं। तो फिर पांडे नहीं, पांडे जी कहिए, कहिए। पांडे जी कहिए, क्या काम है? जी मुझे भाटिया साहब ने आपके पास भेजा है, मुझे एक फोटो छपवाना है। ये दुनिया आज मोस्ट वांटेड में? जी नहीं, कल चौथा है इनका। ओ जी, कल तो बैक पेज में जगह है अखबार में। तो ठीक है, बैक पेज पे छाप दीजिए। कितने पैसे होंगे? 10,000। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है साहब। तो कितने में छापोगे? यही कोई 1,500-2,000 में नहीं हो सकता? 2,000 में तो पहचानिए कौन कॉलम में छपेगी। आंखें आएंगी, आंख पहचानिए पहुंच जाएगी चौथे पे। सिर्फ आंख आएगी? तो क्या 2,000 में और क्या छपवाओगे? अच्छा चलिए ठीक है, आप 5,000 कर दीजिए। 5,000 में चेहरे पे चेहरा कॉलम में छपेगा? आधा चेहरा आपके पिताजी का, आधा किसी और के पिताजी का। चेहरा पहचानिए पहुंच जाइए चौथे पे। चलिए ठीक है, मैं 10,000 रुपए का ही काट देता हूँ चेक। आप ऐसा कीजिए, आप पीछे वाले पन्ने पे छाप दीजिएगा। यस, बम बम न्यूज पेपर। क्या चमन चुरकट पकड़ा गया? ओ वाह, अब आप फिक्र मत कीजिए, आपको आपका इनाम मिल जाएगा। डोंट वरी, बाय। शुक्ला जी, पटेल जी, उषा जी, वो चमन चुरकट पकड़ा गया। क्या बम बम का पहला दुनिया मोस्ट वांटेड चोर पकड़ा गया सर? क्या बात है। थैंक यू। पांडे और वास्तव में पुलिस स्टेशन जा चुका, चमन चुरकट का इंटरव्यू ले रहे हैं। वेरी गुड। आप देखना हमारा बम बम कहां से कहां पहुंच जाएगा। हां सर, अब बम बम को चलने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे भी चलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चलता हूं। कहां सर? खाने पे जाना है। शादी है किसी की? नहीं, शादी नहीं है, चौथा है। कौन है इस बम बम अखबार का एडिटर? कौन है ये? ए, ये 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 मैं? ये तो चपरासी लगते हैं। आप शक्ल में मत जाइए। शक्ल? यही तो, इनकी शक्ल ही ऐसी है। लेकिन ये खाकी कपड़े? सर इन्हें बचपन से ही पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक है। मैं ही हूँ यहाँ का मालिक। बोलो क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरे पिताजी कल यहाँ पे आए थे अपने पिताजी के चौथे पे उनका फोटो छपवाने के लिए। कौन से अखबार में? आपके अखबार में और कौन से अखबार में? और ये देखिए, आपके अखबार ने मेरे दादाजी का फोटो चोर की जगह पे छाप दिया है। आपके दादाजी चोर हो? कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे दादाजी चोर नहीं है। अच्छा, आपसे किसने कहा? मेरे पिताजी ने। और उनसे किसने कहा? मेरे पिताजी के पिताजी ने, मतलब मेरे दादाजी ने कहा कि वो चोर नहीं है। अरे कौन चोर खुद को कहता है कि वो चोर है भाई। ये बात तो ठीक है। यानी आपके दादाजी चोर थे? नहीं देखिए, आपके दादाजी चोर हो तो भी उनका फोटो चोर की जगह नहीं छापना चाहिए। इट्स नॉट इन द राइट स्पिरिट बेटा। नहीं नहीं, लेकिन मेरे पिताजी तो अपने पिताजी का फोटो उनके चौथे पे छपवाने के लिए आए थे ना। आज मेरे दादाजी का चौथा था। था? कैंसिल तो नहीं कर दिया? क्या कह रहे हैं आप? अरे अच्छा हुआ, वरना सारा खाना वेस्ट हो जाता। खाना? खाना कहाँ बनाया अभी तक? लो, अभी तक खाना बनाया ही नहीं है। अरे 1 बजने को आया है, मैं 1:30 बजे खाना खा लेता हूँ, अभी खाना बनाया ही नहीं। सुबह 9 बजे मेरे पिताजी घर से निकले थे हलवाई को ढूंढने के लिए,
लेकिन अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गए। अभी तो वो आ जाएंगे और हलवाई हम आपको दूसरा दे देते, लाला गेंदा मल। लेकिन हमारे पिताजी के बिना ये चौथा हो कैसे सकता? अरे भाई ये चौथा है, कोई मुंडन नहीं है कि जिसका हो उसका होना जरूरी है। लेकिन ये मेरे पिताजी का चौथा नहीं है, अरे मेरे दादाजी का चौथा है, और मेरे दादाजी के चौथे में मेरे पिताजी का होना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन लंच तो पिताजी के बिना हो सकता है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ मेरे पिताजी नहीं मिल रहे हैं और आपको लंच की पड़ी है। एक मिनट, आप एक काम कीजिए ना, हमारे गुमशुदा की तलाश कॉलम में आप छाप दीजिए ना, अभी तक इवनिंग बम निकला भी नहीं होगा। इवनिंग बम? करेक्ट है, एकदम सही बात है। आप एक काम कीजिए, इवनिंग बम में अपने पिताजी की फोटो छाप दीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए पिताजी लौट आओ, अब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप लौट आओ। लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ मगर तो फिर घर छोड़कर चले क्यों गए? वो छोड़कर नहीं गए हैं, वो लापता है। अच्छा लापता है, ठीक है पता मिल जाएगा। आप फोटोग्राफ लाए हैं? नहीं फोटो तो नहीं मैं उनका लाया, लेकिन हाँ ये देखिए, ये मेरे दादाजी का जो फोटो है ना, इससे मेरे पिताजी का फोटो एकदम मिलता। अरे वाह, फिर तो काम हो गया। पटेल फोटो निकालो जरा। ओ राडिया मालिक कौन है? शुक्ला जाओ रिपोर्ट लिखो, जाओ शुक्ला। और राडिया मुझे चाय दो। देखिएगा सर, कल सुबह के अखबार में ये इंटरव्यू छपते ही हमारा ये बम अखबार कहां से कहां पहुंच जाएगा। ओके, कहां से कहां पहुंच जाएगा। पांडे जी आप जैसा रिपोर्टर मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू सर। सर जी आप वर्ल्ड फेमस होंगे अपना मुल्क में। इट्स माय प्लेजर। हां और देखते ही अखबार के मालिक बन जाएंगे पांडे जी। अरे मालिक बन क्या जाएंगे, मालिक बन गए ये तो। सच सर। हाँ अभी तो आप कह रहे थे कि ये मालिक है, आप कह रहे हैं ये मालिक है। भाईजान हम फुर्सत में मालिक मालिक खेलते रहते हैं, आप 5,000 लाए हैं? मालिक मालिक है। हाँ लाया हूँ 5,000, ये लीजिए। ये देखिए सर, चमन क्रिकेट का फोटो कितना भयंकर है देखिए। अरे ये तो बिल्कुल मेरे पिताजी जैसा लगता है, देखे। अरे तो मेरे पिताजी ही हैं। तो क्या आपके पिताजी चोर हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुलिस क्यों पकड़ के लेके गई ने? मुझे लगता है मेरे पिताजी को पुलिस इसलिए पकड़ के ले गई क्योंकि उनकी शक्ल मेरे दादाजी से मिलती है ना। तो दादाजी तो पक्का चोरी रहे होंगे। जी नहीं, मेरे दादाजी चोर नहीं थे। मैं अभी घर गया था ना पैसे लेने के लिए, तो पूछ के आया हूँ दादी से, दादी कहती है वो चोर नहीं थे। अच्छा तो उनकी फोटो यहाँ क्यों छपी है? मुझे लगता है कि शायद वो हमने गलती से छाप दिया। जी हाँ बिल्कुल, आप ही ने गलती से छापा है। अब आप ये भी कहेंगे कि आपका दादा का नाम चमन चुरकट नहीं था? बिल्कुल नहीं था। मुसद्दीलाल ग्रोवर सीनियर है। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप कहेंगे माफीनामा छापो? वो तो छापना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई नाराज मत हो, छाप देंगे माफीनामा। मैं चेक करने के लिए आऊंगा। सर अगर हमने माफीनामा दे दिया ना तो ये साबित हो जाएगा कि हमारी गलती की वजह से फोटो बदला गया है। हाँ और हमारी गलती की वजह से एक निर्दोष पकड़ा गया। हम पर पुलिस केस भी हो सकता है। नहीं यही तो सर, हमें सरकारी विज्ञापन मिलने बंद हो जाएंगे। नहीं बंद हो जाएगा सर। नहीं यार नहीं, कुछ सोचो क्या करें क्या करें क्या करें। मैं तो कहता हूँ सर कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। भाई पुलिस को चोर से मतलब है, अब चोर चाहे चमन चिरकुट हो चाहे मुसद्दी, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे लेकिन चमन का क्या करे, वो तो धमकी देके गया है ना कि अगर शाम तक माफीनामा नहीं छापा तो वो मेरा फेस बिगाड़ देगा। सर और वो तो आता ही होगा, यही तो क्या करे उसका इंतजार। क्या क्योंकि मुझे पता चला है कि वो रूलिंग पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाला है। तो सर कुछ मटेरियल हम लोग जर्नलिज्म से काम चलाते हैं। हाँ हाँ उसका इंटरव्यू लेके उसकी इमेज सुधारेंगे। हाँ उसके समर्थन में लिखेंगे और उसको इलेक्शन जिताने में मदद करेंगे। और अगर वो जीत गया तो पेपर का कोटा बढ़वा लेंगे। आने दो चमन को। देख भाई तुम लोगों ने जो अपने को चोर के ब्रैकेट से निकाल के शरीफ भरा डाला है ना, अच्छा नहीं किया है। अरे अपने इमेज पे बहुत असर गिरा, अपना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया यार। क्या हो गया चमन भाई, पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया क्या? अरे हाँ यार, बोलता है तू डिस्क्वालीफाइड है। डोंट वरी सर, हम आपकी ऐसी इमेज सुधारेंगे कि नहीं नहीं हम बिगाड़ देंगे। वी विल मेक यू पार्टी प्रेसिडेंट सर। हाँ चोर महा चोर, चोरों के बादशाह चमन चुरकट को अपना वोट दो। क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की। क्या कह रहे हैं आप, ये कैसी बात कर रहे हैं, ये बात कैसी कर रहे हैं आप? चमन भाई देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे देश में आज तक तो कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो अपने आप को खुद चोर कहे। मुझे लगता है कि हमारे देश का दारोमदार बस अब आपके ऊपर ही है। हम सब आपके गरीब जनता हैं और हमारे दुख आप ही दूर कर सकते हैं। वो तो ठीक है पर अपन करेगा कैसा? चमन भाई ये आदमी पागल है। पागल? मैं पागल नहीं हूं, पागल नहीं हूं मैं तो आपकी गरीब जनता हूं।
देखिए पुलिस जो है वो मेरे पिताजी को चमन चिरकुट समझ के पकड़ के ले गई। अरे पहले का नेता पिता होता था, अपन किसी का पिता होता नहीं है, समझा ना। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी बराबरी कौन कर सकता है? बराबर है, कोई नहीं कर सकता ना। लेकिन पुलिस जो है वो मेरे पिताजी को ही महान चोर चमन चिरकुट समझ रही है, और ये सब इन लोगों की वजह से हुआ, इन लोगों की वजह से। मेरे पिताजी घर से निकले थे, अपने पिताजी के चौथे पे लंच का इंतजाम करने के लिए हलवाई को लाने गए थे, और रास्ते में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब लंच बीच में रह गया, मैं भूखा का भूखा रह गया। ये सब इन लोगों की वजह से हुआ ना। ये आपकी तस्वीर बदलते, ना ही आपका इमेज खराब होता, ना ही मेरे 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 दादाजी का चौथा रुकता, और ना ही पुलिस मेरे पिताजी को बदमाश समझ के पकड़ के लेके जाती। आप जरा सोचिए, आप सोचिए चमन भाई, अगर मेरी जगह पे आप होते और आपके पिताजी अपने घर से निकले होते अपने पिताजी का चौथे के लिए लंच के लिए हलवाई लेने के लिए, और रास्ते में पुलिस उनको एक शरीफ आदमी समझ के पकड़ के ले जाती, तो आपको कैसा लगता? मतलब आप क्या करते? अरे अपन इन लोगों की एसी की तैसी करता। कैसे? हाँ चमन भाई, उसके बाद पुलिस को फोन करेंगे 100। पर पुलिस को अपन बोलेगा क्या? अपना तो डायलॉग गैप है। पहले तो आप उनको चार पांच गालियां निकालिए। उल्लू मट्ठे गधे, बोलिए ना। ए उल्लू के पट्टे गधे, अब उनको बताइए। ए क्या बताऊं? अब उनको बताइए कि मुसद्दी के पिता चोर नहीं है। ए मुसद्दी का पिता चोर नहीं है। मैं चोर हूँ। अपन चोर है। मैं चमन चिरकुट। और अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, और अगर तू मुझे पकड़ना चाहता है तो यहाँ आ जा। तो यहाँ आ जा अखबार बम के ऑफिस में। अखबार बम के ऑफिस में आ जा। अगर मेरे को पुलिस पकड़ लेती तो मैं क्या करता? कुछ नहीं, आप चुपचाप पुलिस के साथ यहाँ से बाहर निकल जाते। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी वो छूट जाएंगे, डोंट वरी। भाटिया जी, मोस्ट वांटेड मुजरिम पकड़ा गया, 5,000 का इनाम का है। है? अरे पर वो चमन का नाम तो चौथे में छपा था ना, मोस्ट वांटेड में तो छपा ही नहीं। मुसद्दी का तो छपा था ना। हाँ, उसे तो आपने छोड़ दिया। पकड़ाओ थाना, इनाम लाइए। अरे ये तो बात गलत है, लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सर, थैंक्स। अब ऐसा कीजिए, अब मेरे लिए 5,000 रुपए लौटा दीजिए। कौन से 5,000 रुपए? वो जो मैंने आपको दिए थे फोटो छापने के लिए। वो पिताजी को ढूंढने वाले? जी जी। हाँ तो पिताजी को ढूंढ लिया ना, पर फोटो तो छपा ही नहीं ना। यही तो कमाल है हमारे बम न्यूज़पेपर का। हाँ, कि दादा का फोटो छपता है तो पिताजी को अंदर कर दिया जाता है, और अगर पिताजी का फोटो छप जाता तो पता नहीं कौन अंदर होता। ऑब्वियसली आप ही होते। मैं